जानबूझ के दिखाया जा रहा है, ये आपसे व्यूज बटोरने के लिए, आपसे लाइक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दमन और आप देख रहे हैं लेजेंड्स बॉडी बिल्डिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। उससे पहले एज ऑलवेज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर लाते रहते हैं। सो गाइस, बढ़ते अपने पहली अपडेट की ओर जो कि आ रही है जुनैद कालीवाला की ओर से। जुनैद कालीवाला की प्रेजेंट टाइम की फिजिक लेकर आ गए हैं हम आपके लिए। आप देख सकते हैं कि जुनैद कालीवाला कितनी अच्छी कंडीशनिंग में लग रहे हैं और कितनी अच्छी शेप में लग रहे हैं। आपको पता होगा कि जुनैद कालीवाला मुंबई प्रो शो में कम्पीट करने वाले हैं। अब देखना यह है कि ये मुंबई प्रो शो में कैसी कंडीशनिंग लेकर आएंगे और कैसा पैकेज लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। सो गाइस, बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर जो कि आ रही है नितिन चंडीला भाई की ओर से। नितिन चंडीला भाई का आज बर्थडे है, हमारी और आप सभी की तरफ से नितिन चंडीला को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने देश का नाम रोशन करते रहो। सो गाइस, बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर जो कि आ रही है तरुण गिल की ओर से। दोस्तों, तरुण गिल जो मास्टरबेशन करने के लिए कहते हैं और अपने हेटरों को क्या रिप्लाई देते हैं, तो चलिए वह देख लेते हैं। मैं राइस नहीं देता, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपको मेरे एक्सपीरियंस से व्यूज मिल रहे हैं, गुड फील। गाली निकालनी है निकालो, आई डोंट गिव अ फक। पता है हरामी हो, बट एक्सपीरियंस शेयर जरूर करता रहूँगा मैं, चाहे वो दूध का हो, एल्कोहल का हो, उसका हो, सब एक्सपीरियंस शेयर होंगे यार। देखिए तू राटे काट रही है ओम थो। एक्सपीरियंस से याद आया, पानी यार, रोगने में स्किन को लेके कहते हैं यार, स्किन में आपकी दाना नहीं है, एक्ने नहीं है, ग्लो कर रही है, आप तो इतने बड़े स्टेरॉइड अब्यूजर हो, आपको दाना नहीं आता स्किन में, एक्ने नहीं आती यार। पता है क्यों? पानी पीता हूँ। पानी कितना पी रहे दिन में? ये आपने बहुत जगह इंटरनेट पे भी देखा होगा, ऐसा वैसा इतना उतना, सिंपल फॉर्मूला है, अपने करंट बॉडी वेट के हिसाब से डिवाइडेड बाय 12, उतना पानी आपको चाहिए ही चाहिए एवरी डे एवरी सिंगल। समझे? पानी पियो, पानी का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, समझे? देखा, दिमाग वहीं चलता है ना तुम्हारा, वहीं चल। तुम्हें क्या लग रहा था ये मास्टरबेट कर रहा हूँ? और बाय द वे, क्या मास्टरबेशन करना इज इट गुड और बैड? कई लोगों ने ज्ञान पीला इस पर, कई लोगों ने, राइट? बहुत। तो भाई साहब बता दूँ, मास्टरबेशन इज नॉट हार्मफुल एट ऑल। गिल्ट फ्री करो, मज़े में करो, मज़े लो, फकिंग एंजॉय यार, क्योंकि इसका और मसल ग्रोथ का, कि आपका मसल मास गिर जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है। LH एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, जिस पे आपकी मास्टरबेशन सारी डिपेंड करती है, और टोटल टेस्टोस्टेरॉन वो बिल्कुल अलग है, आपका सेरम रेट बिल्कुल अलग है, जिससे आप मसल एक्चुअली पुट ऑन करते हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं भाई। सो कब, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? जब काम करना बंद कर देगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? इन्जॉय लाइफ यार। आप लोग बोलेंगे कि मैं एडिक्ट बन जाऊंगा। भाई साहब, दिन में कितनी बारी करते हो आप? दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांच बारी? ट्रस्ट मी, तीन बारी के बाद जान खत्म हो जाती है भाई। तो अगर आप एडिक्ट भी हो, पहले तो जान ले गया हो, इन्जॉय करो भाई। बट रिमेंबर, एनीथिंग इन विद एक्सेस इज बैड। तुम्हें तो अपनी लिमिट्स पता ही है, तुम्हें तो अपना स्टेमिना भी पता है गाइस। तो इन्जॉय लाइफ एंड मास्टरबेट। सो गाइस, बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर जो कि आ रही है भरत सिंह वालिया की ओर से। भरत सिंह वालिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को क्या टिप क्या कहते हैं, तो चलिए वह देख लेते हैं। जय श्री राम। एक बहुत बड़ी मूवी को बहुत बड़ा बहिष्कार भारतीय समाज द्वारा लिया गया, जो कि बहुत सराहना की बात है। ऐसी यूनिटी का एग्जाम्पल जो हमने सेट किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये और जो है शुरू होती है, मुझे ऐसा लगता है इससे महत्वपूर्ण बहुत सारी चीजें हैं। पूरी पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसकी नींव अश्लीलता पर रखी गई है। आज हम टीवी खोलें, टीवी सीरियल देखें, मूवी देखें, यूट्यूब खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, फेसबुक देखें, चारों तरफ अश्लीलता फैली हुई है। ऐसे ऐसे कवर लगाए होते हैं, ऐसी टाइमलाइन लगाई होती है कि आपका ध्यान उस तरफ जाए, ऐसा नंगपुना वहाँ पर दिखाया जाता है। और सामान्य है ऐसी चीज़ें देखकर आपका उस तरफ जाना, क्योंकि हमारा दिमाग की बनावट इस तरीके की है। लेकिन ये आपको जानबूझ के दिखाया जा रहा है, ये आपसे व्यूज बटोरने के लिए, आपसे लाइक्स बटोरने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए आप सबको ये दिखाया जाता है। और ये एट द एंड आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में केवल या तो घृणा या काम वासना या क्रोध, मोह, मद, माया, ये सब आपके दिमाग में भरेगा। और इसी वजह से आज हमारा समाज जो है सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। हर कोई अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचते।
तो हमारी वॉर यहाँ से शुरू होती है सोशल मीडिया की, अपनी यूनिटी को बांधे। आप जो भी बुरा इन्फ्लुएंसर, जो भी गलत कंटेंट डालने वाला इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी गलत कंटेंट आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसको रिपोर्ट करें। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, जो भी अच्छे अकाउंट्स होते हैं, अच्छा ज्ञान बांटते हैं, उनके अकाउंट्स क्यों उड़ जाते हैं, उनके अकाउंट्स को क्योंकि रिपोर्ट किया जाता है। इन हिंसक मानसिकता के लोगों की वजह से उनके अकाउंट्स पूरे के पूरे उड़ जाते हैं, उनकी सारी मेहनत करी हुई मिट्टी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम भावनाओं में बैठते हैं। तो भावना को हमें अपनी कमजोरी नहीं, भावना को अपनी ताकत बनाना है, हमें अपनी बल बुद्धि का प्रयोग करना है। और अब इसके बाद जो भी कंटेंट आप सोशल मीडिया पे गंदा देखें, किसी को भी आप गलत काम करते देखें, उसके अकाउंट को रिपोर्ट करें, उसके कंटेंट को रिपोर्ट करें, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और ना ही कोई ऐसी मूवी देखें, ना ही कोई ऐसा टीवी सीरियल देखें, ना ही कोई ऐसा डांस शो देखें जिसमें अश्लीलतापूर्ण ढंग से उनमें व्यूज को तोड़ने की कोशिश करें। इतना सा मेरा आप सबसे अनुग्रह है, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए, हमारे देश को विश्वगुरु बनाने के लिए हमें करना ही होगा, क्योंकि हम विश्वगुरु, हम शासक, हम भारत। जय श्री राम। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।